औरतों पर, बच्चों पर, जवानों पर जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से पुलिस इस्तेमाल की गई, हमने इसी सूबे में, इसी मुल्क में हुकूमत की है, हमें तो याद नहीं आता किसी एक मिनट के लिए भी हमने पुलिस को इस्तेमाल किया हो, किसी एक शख्स पर पुलिस को इस्तेमाल किया हो। उस वक्त हुकूमत थी, मैं वफाकी काबीना का मेंबर था, मुल्क के वज़ीर आज़म का तर्जुमान था। उस वक्त मेरे ऊपर हमला हुआ था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जब मैं मुअज़्ज़ज़ जज साहब के सामने पेश होने जा रहा था, एक मुदई के तौर पर, एक मुलज़िम के तौर पर नहीं, एक मुदई के तौर पर पेश होने जा रहा था। हमारे पास पावर थी, यही पुलिस थी, और इन लोगों पर इस्तेमाल की जा सकती थी, और उन लोगों को पकड़ लिया गया था जिन्होंने हमला किया। लेकिन क्योंकि वो सियासी वर्कर थे, तो आप सबको याद होगा कि चंद घंटे के बाद मैंने उन्हें माफ़ करने का ऐलान किया था, और ये ताकीद की थी पुलिस को कि उन्हें को हाथ ना लगाए। उन्होंने गलत काम किया था, हमारी रवायात के ख़िलाफ़ काम किया था, लेकिन बहरहाल वो सियासी वर्कर थे। तो आपने पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी पार्टी को किसी दूसरी सियासी पार्टी के साथ, डिक्टेटर तो ये करते आए हैं, लेकिन ये वाला जुल्म, ये वाला सितम डिक्टेटरों ने भी नहीं किया। डिक्टेटर तो करते आए हैं, लेकिन कभी किसी सियासी जमात ने किसी दूसरी सियासी जमात के वर्कर के ऊपर इस तरह जुल्म नहीं किया। और ये बहादुरी नहीं होती, 100 कुत्ते रल के एक शेर नू ढा लेने बहादुरी नहीं होती। मेरा राणा सनाउल्ला नू पैगाम है, रसागीर चवल किस्म दे टाउट जड़े पिंडा जो होंगे ने, पुलिस नू पैसे दे के लोगों मरवाते हैं, उन्होंने कोई चौधरी नहीं मानता। जे ते एडी जान सी तो फिर अपने हिक के जोर के उत्ते आके सानू वजो, साडे वर्कर नू तुहाडा वर्कर वजे, पता लगे किहदा किन्ना वर्कर है। जे तुसी पुलिस नू इस्तेमाल करना है, और पुलिस को आपने इस्तेमाल किया औरतों को मारने के लिए, घरों की बेहरमती करने के लिए, राणा साहब घर आपके भी इसी मुल्क में थे, आपकी बेगम, आपकी बेटी, आपका सारा कुनबा इसी सूबे में रहता था, यही पंजाब पुलिस थी। क्या आपके किसी एक वर्कर की चार दीवारी फलांगी गई थी? इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि उस टाइम एक खानदानी आदमी की हुकूमत थी। उस टाइम एक ऐसे आदमी की हुकूमत थी पाकिस्तान के अंदर, जो दूसरों की औरतों की वही इज्जत करना जानता है जो अपने घर की औरतों की करता है। उस टाइम इमरान खान की हुकूमत थी, जो दूसरों की औरतों और बच्चों का एहतराम करता है, दूसरों के सियासी वर्कर का एहतराम करता है। आपने वकला तक को नहीं छोड़ा, जिनको कभी किसी ने जुर्रत नहीं की, क्योंकि ये मुल्क एक वकील ने बनाया हुआ है। कभी किसी ने जुर्रत नहीं की वकीलों की, सवाए, मैंने दोबारा कहा कि डिक्टेटर्स का जब जब राज रहा, उन्होंने थोड़ा बहुत अगर किया कभी तो किया, किसी सियासी जमात ने कभी जुर्रत नहीं की कि उन्होंने कभी किसी वकला के एहतजाज, पुरअमन एहतजाज के ऊपर लाठीचार्ज की हो। ये शर्म की बात है आपके लिए कि आप लोगों ने वकला तक को नहीं छोड़ा, और लोगों के घर फैलांगे गए, और अल्लाह जन्नत में जगह दे हमारे कारकुन फैसल को जो शहीद हुआ, उसको पुल के ऊपर से फेंक के, वो आपके सामने वीडियो है जिसमें डीएसपी जो है वो लाठियां मार रहा है उसके हाथों पर। क्या हो गया आपको? जानवर हो गए हैं आप, दरिंदे बन गए आप। अभी मैं यहाँ अकेला खड़ा हूँ ना, ये सारे लोग मुझे पड़ जाएं, तो जारी बात है मैं कमजोर हूँ इन सबसे, तो ये क्या बहादुरी है? आप चाहते हैं कि लाहौर के अंदर भी एमक्यूएम बन जाए? आप एमक्यूएम बनना चाहते हैं लाहौर की? आप चाहते हैं कि यहां पर भी बोरीबंद लाशें मिलना शुरू हो जाएं? सियासी जमातें पुरअमन रहती हैं। अगर हम पुरअमन ना हो, हमारा लीडर पुरअमन ना हो, तो आपको ये पता है ना कि हमारी सबसे ज्यादा सपोर्ट किस सूबे में है? केपीके। केपीके में कौन बसते हैं आपको पता है? कौन बसते हैं वहां का कल्चर क्या आपको पता है? कि आप एक थप्पड़ मारेंगे आपकी अगली 10 नस्लों तक, जब तक थप्पड़ का जवाब नहीं आएगा, उनका कल्चर है कि वो आपको माफ नहीं करेंगे।
एक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर से 20 साल मुकाबला किया है और वो लोग हारे नहीं है। आपको लगता है वो आपसे हार जाएंगे? लेकिन नहीं, ये इमरान खान ने मना कर रखा है। वरना राणा साहब तुहाडा जिहड़ा असला तुसी ते गंदे असले दे हो, सानू पता है जो कुछ फिर वहां से निकलेगा वो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन हम नहीं निकलने देंगे, हम नहीं निकलने देंगे, क्योंकि साडा असला चंगा है। सानू पता है कि मुल्क दे विच इहदे नाल इंतशार फैलेगा, और आपकी तो कुल कमाई इंतशार फैलाना सारी जिंदगी। आप तो पनपते ही इंतशार में है, जैसे मच्छर हब्स में पनपता है ना, आप भी हब्स और इंतशार में पनपते हैं। जब जब आवाज दबाई जाती है आप जैसे चेहरे पनपते हैं। तो आप ये बात याद रखिए, आवाजें फैसल की, एक आवाज आपने बंद की है उसकी जान लेके, जैसे मॉडल टाउन में आपने जाने ली थी, उस तरह की हजारों और आवाजें पैदा हो गई हैं। आप हमारी आवाजें नहीं दबा सकते। ये पुलिस भी हमारी है, ये वकला भी हमारे, ये आवाम भी हमारी है। आप चंद इम्पोर्टेड हुकूमत के जो लोग हैं वो इसके ऊपर मुसल्लत होकर किसी सूरत इस मुल्क के जो रस्म व रवाज हैं, तौर तरीके हैं, उनको आप बदल नहीं सकते। तौर तरीका यहाँ यही रहना है। मामा सांझिया ने नून लीग के भी किसी शख्स की माँ होगी, हमारी हुकूमत होगी अल्लाह के करम से वो हमारी माँ होगी। नून लीग के किसी शख्स की बहन होगी, हमारी हुकूमत होगी अल्लाह के करम से वो हमारी बहन होगी। मामा भैणा सांझिया ने ये हम रखेंगे। आपने ये बगैरती की है, ये आपको मुबारक हो। और आप फख्र ना करें कि आपने हमारे वर्कर को बड़ा मारा है। या तो आप ये खुद करते ना। एक सेकंड माजरत, ये मट्टी बड़ी है। PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ पूरी फैमिली करे एंजॉय। या तो आप ये खुद करते ना तो पता चलता कि आप कितने बहादुर हैं। पुलिस से आपने करवाया तो क्या करवाया? वो तो बेचारे मजबूर हैं, कई उनमें से कईयों को समझ नहीं आती वो क्या कर रहे हैं। ऑर्डर है, घरों गुस्से चाहे ने, बेगम ना लड़ाई हुई है, भरा ना लड़ाई हुई है, बिजली का बिल तुसी बता दिता है, पेट्रोल के पैसे बता दिते ने, उससे गुस्से च कुटी आ रहे हैं लोगों, जिहड़ा अगे आ रहा कुटी आ रहे हैं। उन्होंने बेचारियों तो पता नहीं लग रहा, पर आपको तो पता है ना। तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, कानूनी लड़ाई भी करेंगे, अवाम के अंदर लड़ाई भी करेंगे। अब जो ये इसराइल को तस्लीम करने की बातें शुरू हो गई हैं, इसराइल के अंदर आप लोग वफद भेज रहे हैं, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, तो फिर कायदे आजम साहब गलत फरमा के गए थे इसराइल के बारे में। आप चाहते हैं कि इसराइल के मौका, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो फलस्तीन के मासूम लोग हैं पहले उनका भी कोई हक की बात करे, जो कश्मीर के लोग हैं पहले उनके भी हक की कोई बात करे। तो इसलिए ये याद रखिए, ये जो आपके चलतर हैं कि आपने पहले इंपोर्टेड हुकूमत आई, उसके पीछे आपने यहाँ की इकॉनमी तबाह की, आज पेट्रोल किधर पहुँच गया, आपने महंगाई ख़त्म करनी थी, उसके पीछे आप लोगों की मारधाड़ कर रहे हैं, उसी आड़ के अंदर आप अब इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं और फलस्तीन के ऊपर अपना मौक़िफ़ बदल रहे हैं। पाकिस्तान के वारस पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान लावारस नहीं है। गाड़ी पे पाकिस्तान की आवाम आपको तुन के रख देगी अगर आप इन लाइनों पे जाएंगे। ये वाले काम आपको ना करने देगी ना करने देंगे। बाकी राणा साहब, जिस दिन तुसी सारे की मर्दानगी चेक करते हो कि थर्मामीटर है तुहाडे कोल, तुसी क्या सी बिलावल भी मर्द नहीं हैगा, तुसी क्या सी शेख रशीद भी मर्द नहीं हैगा, पता नहीं कितों चेक करते हो और किस तरह चेक करते हो। अगर तुहाडा दिल करे जे ते पुलिस नूं फड़ाउणा है तो शौक नाल फड़ाओ, इस वेले वजीरे दाखला हो, तुहाडे नाल वादा असीं बणांगे, तुहाडे नाल फिर भी हरकत नहीं करांगे, क्योंकि असीं अपने लैवल ते खेडणा है, तुसीं अपने लैवल ते खेडणा है। लेकिन एक आपको बात है, जिस दिन आपका दिल करे उस दिन आ जाओ, कल्ले नूं मैं कल्ली टकरी, मेरी जेब लड्डूआं ने पाड़ी, कल्ले नूं टकरो आ के पता लगे किड्डे मर्द तुसीं हो ते किड्डे असीं हैं। यह पुलिस इस्तेमाल ना करो, जिस दिन दिल होवे कल्ले नूं आ के कल्ले टकरो, तो फिर पता लग जाए दुनिया नूं किहड़ा किड्डा बहादुर है। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कौन कितना बहादुर है, हमें ये बात ना बताएं। लोग तो गार्ड के बगैर बाथरूम नहीं जाते, ये देख लें गार्ड के बगैर यहाँ फिर रहा हूँ, मेरे लीडर को देख लें हर जगह पब्लिक में फिरता है। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। और आखिर पे मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करूँगा,
मुझे फख्र है राव समी साहब और इनकी टीम पे, मुझे फख्र है लाहौर के वकला पर, मुझे फख्र है कराची के वकला पर, मुझे फख्र है कि वकला जिस तरीके से हमारे लिए नहीं इंसाफ के लिए निकले, हक के लिए निकले, और ये पहली दफ़ा नहीं, 1947 से पहले से लेके इस खित्ते के वकला हमेशा इंसाफ के साथ निकले हैं, हमारा सलाम है इनको। आज भी इमरान खान साहब पेशावर बार में, हाईकोर्ट बार में तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, वहाँ पर वो कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं, वकला कौम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की कौम जल्द इस इम्पोर्टेड हुकूमत से छुटकारा देखेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, सवाल इसमें है कोई नहीं, बातें आपके पास हैं सारी, पूछने की बात कोई नहीं है, गल्ला तुसी इन्हां कोलों पुछनियां ने। ये अजकल खान साहब नू कहंदे ने दो नंबर लीडर है, बाजी जी अगों खान साहब ने कह दिता दो नंबर है, तो ना करया करो, मेरी भैण हो तुसी, मेरी भैण हो तुसी, ये काम ना करया करो। जे तुहाडा किसी की बेइज्जती करन दा दिल करदा तो मेरी वड्डी भैण, तुहानू पूरी कौम ने एक बंदा लभ के दिता है, साडा भरा कैप्टन सफदर, ओदी रज के बेइज्जती करया करो, ओनू कुछ नहीं हुंदा।